ओरछा दर्शन के पहले भाग में हमने आपको भगवान श्री राम के ओरछा आगमन की कहानी बताई। अब इस वीडियो में हम ओरछा के उन दूसरे स्थानों की आपको सैर कराएंगे, जिन्हें देखने के लिए हर साल देश और विदेश से हजारों पर्यटक ओरछा आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 400 साल पुराना वो मंदिर जिसे भगवान श्री राम के लिए बनवाया गया था। ओरछा का एक महत्वपूर्ण स्मारक है चतुर्भुज मंदिर, जिसका निर्माण महाराजा मधुकर शाह ने 16वीं शताब्दी में करवाया। इस मंदिर को पहचाना जाता है चतुर्भुज मंदिर के नाम से। नागर और बुंदेला शैली में बना यह सुंदर मंदिर ओरछा का एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से खास स्मारक है। बाहर से देखें या अंदर से, इस मंदिर के आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है इसकी विशालता। देखने से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण बहुत ऊंची नींव पर किया गया। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और जानते हैं इसके इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातों को। अंदर प्रवेश करते ही मिलता है विशाल भव्य चतुर्भुज मंदिर, इतना विशाल कि आंखों में नहीं समाता। इसके बड़े बड़े और बहुत ऊंचे गुंबदाकार शिखर इसकी खास पहचान है। अब इस अष्टकोणीय गुंबद और इसकी सुंदर कलाकृति को ही देख लीजिए। इसकी भव्यता से थोड़ी देर के लिए नजर हटाकर चलिए चलते हैं गर्भगृह की ओर और दर्शन करते हैं भगवान चतुर्भुज के। एक संदर्भ यह भी है कि इस मंदिर के सामने जो महल आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बीच के झरोखे से महाराज मधुकर शाह की इच्छा थी कुछ इस तरह भगवान श्री राम के दर्शन करने की। लेकिन इस बात से बिल्कुल अलग, इस चतुर्भुज मंदिर को छोड़कर भगवान जाकर विराज गए इससे लगे महारानी के निजी महल में, और फिर यही राम राजा का मंदिर कहलाया। वीडियो के अगले भाग में आपको ले चलेंगे चतुर्भुज मंदिर के ठीक सामने लगभग 700 मीटर की दूरी पर मौजूद इस किले के अंदर बने महलों की तरफ, जहां सदियों पुराना इतिहास और जाने कितनी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं।